हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बर्थडे के ब्लॉग का इंतजार है आप लोगों को, मुझे पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? कामनी सिंह के चैनल को नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। और आज ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। ये रेडी होके आई मैं नीचे, पहली बार मुझे लग रहा कि ऐसे मम्मी को पता भी नहीं था कि मैं मतलब ऐसे पार्टी में ऐसे कुछ पहनने वाली हूँ। फिर मैं आके सबको दिखा रही थी, सब कहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ननद साहिबा है, जो मेरे मामा ससुर जी हैं ना, उनकी बड़ी वाली बेटी जिनको बेबी गर्ल हुई है। और मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बता दिया था, तो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका डिटेल, इस ड्रेस का डिटेल आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। मैंने ये जानबूझ के इसलिए पहना था ताकि इसमें ठंड नहीं लगेगा, और अंदर मैंने इनर भी डाल लिया हुआ था, वही मैं मम्मी को दिखाई थी। मम्मी के नहीं अच्छा लग रहा है। सो गाइज, अब यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट भाई बहन का, और मैं कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने आप से तो कोशिश की कि मैं बहुत ही अलग से कुछ ऐसे सिंपल सा लुक करूँ, बिकॉज बर्थडे पार्टी है उसके अकॉर्डिंग, और हमेशा तो तामझाम रहता ही है। यहाँ पे मैं मम्मी से फोटो खिंचवाने आ रही थी, मैं चेयर में फंस गई थी, वही मैं ऐसे कर रही थी। तो कुछ लोगों का कॉमेंट कि हेयर स्टाइल को लेकर, तो मैं आपको बता दूँ कि पार्लर तो जाती नहीं हूँ कि हेयर स्टाइल मतलब कुछ ऐसा करके अलग अलग से कर लूँ, लेकिन घर पर जब करना होता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और घर के खुद की पार्टी में तो टाइम नहीं मिलता, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये खा रहे थे ना, तो पति देव जी उनका वीडियो बना रहे थे, उठ के चले गए, फिर ये दोनों पकड़े गए खाते हुए। इसलिए जानबूझ के देखो अंशु कैसे ड्रामा कर रहे हैं, नीचे मुंह कर लिए कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। शाम को फंक्शन प्रोग्राम जो था हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो अभी टाइम नहीं हुआ था यहाँ पे केक कटिंग का, तो हमने थोड़ा बहुत डांस किया था। डांस तो हमने असली किया था केक कट के बाद, बहुत हाँसू धमाकेदार वाला डांस, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, बहुत ही कम लिमिट लोगों को इन्वाइट किया हुआ था, तो सारे लोग आए हुए थे। और अभी एक हमारे घर में ही, हमारे सेक्टर में ही रहती हूँ, वो भी नहीं आई हुई है, वो आ जाएंगे, उसके बाद केक कट करेंगे। हमारी एक मामी जी जो हैं, माधुरी मामी, मतलब जब जो मेरी ये नाना साहिबा दिख रही है ना, दोनों जने इनकी मामी है, वो तीनों जने की मामी है, तो वो अभी आने वाली थी, वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, कह रही थी ट्रैफिक में फंस गई है। तो हमने सोचा चलो भाई तब तक डांस कर लेते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी मस्ती और गेम। मतलब बच्चे क्या, हम बड़े ही इतने बच्चे बन गए कि वो देख के आपको इतना अच्छा लगेगा ना, कि मतलब बहुत एक प्यारी से स्माइल आ जाएगी आपके फेस पर कि हमने क्या किया कुछ नया। मतलब सबके लिए नया नहीं, मैंने हमने अपने घर के लिए नया ट्राई किया।
किया है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत डांस हो रही है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अरेंजमेंट कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में जो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और बाकी केक कट के टाइम पर क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। बर्थडे वाले दिन क्या होता है ना, जिस बच्चे का बर्थडे रहता है उस दिन हम सोचते हैं उसके साथ कितने सारे हम फोटो खिंचवा ले वीडियोज़ बना लें, लेकिन मैं सच बता रही हूँ ऑनेस्टली एक भी हमारी फोटो वीडियोज़ नहीं हो पाती, खुद के बच्चे के साथ नहीं हो पाती है। मैं आपको बता रही हूँ कि धनु के साथ मेरी एक भी पर्सनल ऐसे वीडियो सिर्फ उसके साथ नहीं है कि मैं उसको रील भी डाल सकूँ। मैंने कहीं कहीं से ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा बहुत रील डाला हुआ है, आगे भी डालूंगी, वो सबके साथ ही, लेकिन मेरे साथ उसका नहीं हो पाया। फोटो बस मैंने एक दो खिंचवा लिया था। और ये हमारी क्यूटी पाई क्यूट सी भांजी है। ये आया था स्पेशल केक, लेकिन हमने उसके जूम करके ना फोटो खींच पाए ना वीडियो बना पाए। और यहाँ पे हो रही है हमारी बहस, क्योंकि मैंने आपको बोला था 8-10 टोपी लाने के लिए, जितने बच्चे हैं सबके लिए, आप नहीं लेके आए, कह रहे नहीं मैं भूल गए दो ऊपर लेके आओ। तो बस हमने एक धनी को पहनाया, एक धनु को पहनाया, और एक ये हमारी जो छोटी सी क्यूट सी आपको भांजी जी दिख रही हैं इनको हमने पहनाया। बस अब क्या करें, सारे बच्चों के लिए मैंने मंगाया हुआ था, भूल गए शायद कि छूट गया कि क्या हुआ, पता नहीं क्या कह रहे थे, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे हुई तैयारी केक कट करने की। और यहाँ पे केक कट करने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है, मतलब जो हमारे बच्चे हैं ना इनको केक कटने की बहुत जल्दी रहती है। और अब धनुआ जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जो आता है ना ये झूमा टाइप का, ये आता है बच्चों के लिए केक कटिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जो डेकोरेशन किया था वो बिल्कुल अंदर वॉल से चिपक के था, सो पीछे जाके तो काट नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर सोचा जा रहा था कि इसे खड़ा करके कटवा दें या नीचे उतार के, मेरा मन था कि नहीं टेबल पर ही कटवा दें, क्योंकि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर खड़ा है ना कैसे काटेगा, और वो हिल जाता है झूमर जो है ना, इसे गोल से हिल जाते छूने पर, छोटे बच्चे हैं धनवी कैसे जाएगी, उसके लिए भी मैंने चेयर लगाया। बट फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार इस पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में कैसे खड़े होंगे। तो फिर मैंने उतार के ना उसे टेबल पे रख दिया कि टेबल पे ही कट करते हैं, चलो ठीक है पीछे झूमर है डेकोरेशन है सब कुछ पीछे है तो उसी में देख लेते हैं कि इसको रहने देते हैं। फिर मैंने उतार के उसे टेबल पर रखा और सब लोग फिर यहाँ पर खड़े हुए और केक
केक कट किया हमने, धनवी ने अपना जो कैप था उसे बार बार खींच के ना कुछ वो कर दिया था। देखो शौक देखो इनका, ऐसे लगाओ ना तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पता है आज बर्थडे है तो एकदम एक्साइटमेंट में है दोनों के दोनों। और धनु जो है, मैं ये बता रही थी कि अब ये बड़े हो चुके हैं, पहले क्या होता था ना कि अपने बर्थडे के टाइम पे 2-3 साल ऐसे हुआ कि ये सो जाते थे उसी टाइम, केक कटिंग के टाइम पे उठाओ रोने लग जाते थे, लेकिन जब से 4 साल के हुए ना 4th साल से इनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनको चीज़ें समझ में आने लग गई कि यार मेरा बर्थडे है, मेरा स्पेशल डे है, मुझे केक कट करना है। धनवी को देखो, धनुआ को कैसे देख रही है ओली पोली, उसको बस जल्दी बची हुई है ना, कैसे भैया जल्दी काटो ना मैं खा लूँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं किसी का नहीं काटना, तो ले ली उसके हाथ से और लगी काटने। और वो सोच रहा है कि भाई मेरा बर्थडे है तो मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ, जब सब बोलेंगे तो मैं काटूंगा। देखो कितने शरीफ बच्चे की तरह बेचारा खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब बोलेंगे सब केक कट करने के लिए। मतलब उसको भी ये सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। और धनवी अपनी बदमाशी पीछे से शुरू कर चुकी है, केक निकाल निकाल के खाया जा रही है। बाबू ने देख लिया, धनवा ने खेरे मम्मा देखो नहीं तो सारा केक खाया जा रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लेती हूँ। और ये इसको देखिए, यहीं पे पता नहीं मेरा ध्यान इधर उधर गया, दोनों ने ऐसे रोआ रोहट शुरू किया, देख के तो बिल्कुल मेरा कलेजा ही फट गया कि यार बर्थडे है बच्चे को और ऐसे रो रहा है। मतलब उसको लग रहा था यार ये मान नहीं रही है मैं क्या करूँ, बस वो रोने लग गई तो ये भी रोने लग गया। अब मैं इस वीडियो में देखी कि क्या कुछ किया था कि जो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ नाइफ लिया था और वो इतने चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई थी। आपको बताऊँ यहाँ की सबसे अच्छी बात एक्चुअली क्या होता नहीं है, तो मैंने धनु के साथ साथ जितने भी बच्चे थे सबको मैंने टीका लगाया, लेकिन आपको पता है क्या, यहाँ दोबारा जब वो ले ली तब ये रोना शुरू किया था। चलिए तो दोनों बच्चे तो अपने शरारत में लगे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे बड़ों की जो बात है कि मैं कहीं भी जाती हूँ किसी भी फंक्शन में, किसी का शादी ब्याह कुछ भी हो, तो मैं वहाँ पे ना किसी से ये उम्मीद नहीं रखती कि वो लोग मुझे पूछे या मेरे लिए कुछ करें। मैं खुद वहाँ पे खड़ी रहती हूँ हर एक चीज़ के टाइम पे कि नहीं देखिए किसी के घर शादी है या फंक्शन है, वो खुद में ही इतना बिजी होता है कि हम उनसे इस चीज़ की आशा नहीं कर सकती, हर एक चीज़ को आके हमसे एक एक चीज़ें पूछे। बस उन्होंने, अगर उन्हें नहीं पूछना होता तो वो हमें बुलाते नहीं, जाहिर सी बात है। अगर उन्होंने बुलाया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर जगह पर खड़े रहो। तो ये मेरे अंदर की आदत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आदत होती है ना कि भाई हम उनके घर गए हैं ना, एक एक चीज़ के लिए मुझे पूछे, एक एक चीज़ के लिए ऐसे करें, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देती कि मैं जाऊँ तो मुझे कोई ऐसा टेंशन दे। सो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। और मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि मेरे घर कोई मेरे फंक्शन में आए तो वो खुद भी यही करे, वो ये ना सोचे कि कामनी या मतलब कामनी के घर से कोई भी, सब कोई मुझे एक एक चीज़ के लिए अटेंशन दे कि अरे आपने केक खिलाया, आपने ये किया, आपने वो किया, ये सारी चीज़ें। मतलब मुझे ये मेरे माइंड में नहीं रहता क्योंकि मैं खुद नहीं सोचती इसीलिए। तो यहाँ पे ना केक कटिंग के टाइम पे ये दोनों रोने लग गए थे, मैं इनको संभालने लग गई। केक कटिंग होने के बाद मैंने सबको केक खिलाया, ठीक है, सबको मतलब कट कट करके दिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि किसने आके धनुआ को केक खिलाया, किसने नहीं खिलाया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। जब मैंने केक बांट रही थी ना तब मुझे ध्यान गया, तो मैंने पूछा भी एक दो से कि आपने खिलाया, तो मुझे पता चला बाद में वीडियो देख के टाइम सबने आके एक एक करके खुद से खिलाया है। और ये एक मतलब ये दिखावा वाली जो चीज़ें होती है ना वो नहीं, ये डेडिकेशन वाली चीज़ है कि हाँ कि दिखावे से तो वैसे भी दुनिया नहीं चलती, थोड़ी देर की वो खुशी होती है, लेकिन डेडिकेशन वाली जो होती है ना वो रिश्ता बहुत ही लॉन्ग लाइफ होता है उस रिश्ते का। तो सो ऐसे ही होने चाहिए रिश्ते कि जहाँ जिसको जो जरूरत है उसके लिए वो खड़ा रहे, वहाँ जाकर वो अटेंशन पाने के लिए सामने वाले को इस चीज़ को टारगेट ना करे। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी पूरी फैमिली जितने भी लोग आए हुए थे सब लोग खुद से और केक खिलाए, और होना भी यही चाहिए। एक और बात पता है, जब ये दोनों एक ही नाइफ के लिए लड़ रहे थे ना, मैं ऊपर जाकर रात वाली एक नाइफ लेके, लेकिन धनवी वो नहीं ली कि नहीं मैं भैया के साथ ही काटूंगी और ऐसे करूंगी। मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी छोड़ दो काटने दो, मम्मी बोला नहीं सारा वो कर देगी तो सारे लोगों को देना है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि सबको देना और ये ख़राब कर देंगे बच्चे, तो इसलिए मम्मी उसको हटा रही थी। और उसके बाद यहाँ से केक कट करके एक और केक ला के और फिर सबको हमने बांटा। धनु के लिए आया हुआ था, कुछ ग्रीन सा था और क्रिकेट के जितने थीम होते ना वो सारे कुछ इस पर था। अब सारे बच्चे ना एक एक चीज़ें मांगने लग गए वहाँ पर कि उनको विकेट चाहिए तो किसी को बैट चाहिए, सारी चीज़ें ना ऐसे मांग रहे थे, तो वही मैंने उठा के बच्चों को दे दिया। एक किसी को लास्ट में नहीं मिला, उसमें जो चिपका हुआ चॉकलेट था वो मांग रहे थे, मैंने वो तो निकलेगा ही नहीं कैसे करो, फिर केक कट करके और सबको दे दिया, मैंने सब खा लिए। और यहाँ पे धनु की चाची बोल रही हैं कि ये तो इसके इनके हाथ से तो खा लो, जो आपकी ये सिस्टर है छोटी वाली सिस्टर, तो इनसे फिर खाए ऐसे करके। मतलब बहुत अच्छा लगा, सब आए और इतनी खुशी हुई ना, मतलब जो बर्थडे सेलिब्रेशन था हमने जो सोचा उससे भी अच्छा हुआ, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बर्थडे जो होता है या फिर कोई भी सेलिब्रेशन होता है वो हमारे अकॉर्डिंग वो ग्रैंड होता है। सो हमारे अकॉर्डिंग ये ग्रैंड सेलिब्रेशन था, ठीक है। किसी ने मुझे ये कमेंट किया हुआ था कि कैसी माँ हो कि धनु के मतलब नाना नानी के बारे में नहीं सोचते हो, तो
मैं एक सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ। और दूसरी बात कि ठीक है, माँ के लिए सबसे बड़ा उसके लिए उसका बच्चा होता है और सबसे बड़ा ओहदा माँ का होता है, तो उसको अपने सारे फ़र्ज़ निभाने चाहिए। तो मुझे अपने सारे फ़र्ज़ निभाने चाहिए, तभी आप मुझे इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो। अगर नहीं निभाना होता और मुझे किसी चीज़ का एटीट्यूड या फिर कोई चीज़ ऐसा कुछ होता, कोई ज़िद, तो मैं ये सेलिब्रेशन ही नहीं करती। मैं लोगों को दिखावा करती, दिखाती कि नहीं यार मुझे इस चीज़ का गम है, इस चीज़ का दुख है, तो मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी या कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं करूँ क्योंकि मेरे मायके से कोई नहीं आता या कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं हर एक फंक्शन में, हर एक चीज़ में अपना जितना भी पूरा अपना देना होता है वो सारा मैं देती हूँ और खुश रहती हूँ, इन्जॉय भी करती हूँ। कभी भी अपने चेहरे पे ये चीज़ को आने नहीं देती, कभी किसी को सामने वाले तक को फील नहीं होने देती कि मेरे अंदर कोई दुख है या नहीं है किसी भी चीज़ को। मैं हमेशा ही बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, ना मैं ज़्यादा ओवर करती हूँ और ना ही मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि मुंह बना के कहीं बैठी हुई हूँ, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। आप मुझे ना किसी भी वीडियो में ऐसा भी नहीं देख सकते ना कि मैं उससे पहले कितनी रोई हूँ और फिर मैं वहाँ पर कब खड़ी हूँ इस और कितनी स्माइल कर रही हूँ, उस चीज़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि मैं उससे पहले रोई हूँ या हंसी हूँ, क्योंकि वो मेरा कभी भी आप मेरे फेस पे नहीं देख सकते। एक दुखी ऐसा जिसको मैं कैसे और किस तरीके से छुपा लेती हूँ उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा था, छोटी सी प्यारी सी नैनी सी आई कोई परी, तो ये चल रहा था सॉन्ग, डेडिकेट किया गया था हमारी क्यूट सी भांजी के लिए। तो उनकी मम्मा यानी कि अनु थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सो गाइस, केक कटिंग हो गया और मैंने सबको केक भी बांट दिया। अब आप लोगों को ये दिख रहा नहीं, इसके अलावा और भी केक था यहाँ पे आपने देखा, वो केक भी दूसरा प्लेट जो दिख रहा है वो सबका बांट दिया मैंने। और यहाँ पे ना पतिदेव जी के शुरू से आते हैं, धनवा का बर्थडे पे वो सबको केक खिलाते हैं। सो ये एक मौका होता है एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाने का, जिसको वो कभी नहीं गंवाना पसंद करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, एक दूसरे को खिलाने से प्यार बढ़ता है। सो वही यहाँ पे ये सारे अपने भाई को भी खिला रहे, फिर और भी जो भी भाई लोग हैं सबको खिला रहे। और धनवा जितना भी गुब्बारा है ना उसको फोड़ने में लगा हुआ था कि सब फोड़ देता हूँ, और सारा ही फोड़ दिया था लगभग। मतलब मैं आपको बताऊँ, पार्टी खत्म होने से पहले पीछे जितने गुब्बारे दिख रहे हैं ना, सारे बच्चे मिलके ऐसे बंदरों की तरह उछल उछल के सारा ही गुब्बारा फोड़ दिए थे। और ये चीज़ आप बताना मेरे पतिदेव जी की थिंकिंग आप लोग कैसी लगी कि सबको खिलाते हैं और अपना प्यार जो है बांटते हैं। एक प्यार दिखाने का तरीका होता है, तो जब भी मौका मिले ना इंसान को अपना प्यार जरूर दिखा देना चाहिए। तो ब्लॉग कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करके ना साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्लॉग उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और वो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, मतलब हमारे लिए आपने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कुछ अलग सा, तो वो है आपको उसमें देखने को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को